जोहार। मूवी आई है कश्मीरी पंडित, आई होप आप सब देख चुके होंगे, नहीं देख चुके होंगे तो सुन चुके होंगे, ट्रेलर तो ऑफ कोर्स देख ही चुके होंगे। मूवी में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए भेदभाव क्रूरता को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बहुत सारे लोगों को मूवी देख के रोना आया, कोई फूट फूट कर रोया तो किसी के सीने में दर्द होने लग गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। पंडितों के साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पंडितों के साथ गलत कब हुआ? आज़ादी के बाद, और आज़ादी कब मिली? लगभग 75 साल पहले। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो 5000 साल पहले ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने जो दलितों और आदिवासियों के साथ भेदभाव किया, क्रूरता की, उसका क्या? सिर्फ एक मूवी आई जिसमें पंडितों के साथ बुरा किया, उसको दिखा दिया, लोगों को रोना आ गया, लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जय भीम जैसी मूवी, शुद्र द राइजिंग जैसी मूवी, नक्सलवाद पर आधारित मूवी, वो उन सब पे लोगों को क्यों रोना नहीं आता? इवन आज तक भेदभाव जिंदा है, कश्मीर पंडितों के साथ अभी तक भेदभाव तो नहीं होता ना, और कश्मीर के अलावा तो भेदभाव नहीं हो रहा है ना पंडितों के साथ, लेकिन दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, बहुजन समाज के साथ, पूरे देश के हर एक कोने में किसी न किसी प्रकार का भेदभाव होता है। इवन आदिवासियों को तो आज भी नक्सलवाद के नाम पे किसी पे भी गोली चला दी जाती है। बस्तर जैसे क्षेत्रों की हालतें देखने लायक है। शुद्र द राइजिंग जैसी मूवी का मुझे लगता है कि पंडित लोग तो ट्रेलर भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो इतनी खतरनाक मूवी, ट्रेलर भी किसी का सीना फाड़ सकता है। तो पूरी मूवी देखोगे तो मुझे लगता है बहुत सारों को हार्ट अटैक आ जाएगा। पर ऐसे भेदभाव आजकल एक इतनी सीमा तक बढ़ चुका है कि पिक्चरों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। एक मूवी आती है जिसको बैन करने की बात आती है, जैसे कि जय भीम जैसी मूवी, दूसरी मूवी आती है जिसको गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर देती है, एक और मूवी होती है शुद्र द राइजिंग जिसको थिएटर में लगने भी नहीं दिया जाता है, कुछ ऐसी मूवीज़ जिनको दिखाया ही नहीं जाता है, नक्सलवाद पर बनी मूवी को तो बनने भी नहीं दिया जाता है। तो आखिर और कितना भेदभाव करोगे? और कम से कम जो ये कहते हैं कि हम भेदभाव करते ही नहीं है, वो अपनी ये उंगली कहीं डाल के चुपचाप बैठ जाया कीजिए।